हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे नोज से रिलेटेड, क्या मेरे जो राइनोप्लास्टी का ऑपरेशन है उसके बाद नोज पे कोई निशान आएगा या स्कार आएगा। दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जब हमारे पास पेशेंट आता है नोज सर्जरी के लिए, उसकी बहुत सारी क्वेरी होती हैं। उनके बिहाइंड एक बहुत बड़ी क्वेरी, उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है, मैं सर्जरी करा लूँगा, मैं ऑपरेशन भी करा लूँगा, बट मेरे नाक पे निशान नहीं आना चाहिए। यस, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके नोज़ के ऊपर निशान नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो है अपनी सुंदरता के लिए नोज़ की सर्जरी करा रहा है। सो दोस्तों, बात करते हैं कि ये क्या है। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि जब राइनोप्लास्टी सर्जरी के दो अप्रोच यूजुअली होते हैं, एक ओपन राइनोप्लास्टी, एक क्लोज राइनोप्लास्टी। दोस्तों, जो क्लोज राइनोप्लास्टी है उसमें नाक के अंदर की तरफ एक चीरा लगता है हमारे नोज़ को डिग्लोविंग करने के लिए, सर्जरी करने के लिए। ओपन राइनोप्लास्टी के अंदर यहाँ पे जो नाक का जो वर्टिकल पोर्शन है, जिसको हम कोलुमेला बोलते हैं, उस कोलुमेला पे एक छोटा सा चीरा लगता है, जिससे नोज को पूरा डिग्लोविंग किया जाता है और अंदर सारा वर्क करने के बाद दोस्तों इसको वापस जो है सूचर किया जाता है। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि ये जो हम सूचर करते हैं, तो ये जो सूचर्स होते हैं, ये करीब जो हमारे बाल जितने से जो है 7080 थ्रेड्स होते हैं, जो यूजुअली विजिबल भी नहीं होते। सो अमूमन जब 10 डेज पे जब हम नाक के ऊपर जब प्लास्टर हटाते हैं और उसमें जब उन सूचर्स को जो हटाते हैं, अमूमन 50% तो वो अपने आप हट जाते हैं, या कुछ जो है वो हम जो माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको हटाया जाता है, लेकिन अमूमन उसमें कोई निशान या नोज के ऊपर जो है वो स्कार नहीं आता। ये एक अलग बात है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जिनके स्कार टेंडेंसी होती है, आपने देखा होगा किसी के नोज के ऊपर जरा सा भी लग जाता है, फेस के ऊपर जरा सा भी लगता है, ट्रॉमा होता है तो उससे उसका स्कार बन जाता है, तो उन लोगों को कुछ टेंडेंसी होती है। और उसमें भी अगर मान लो डॉक्टर को अर्ली स्टेज पे पता लग जाता है, तो वो चीज़ें क्या है, ऑइंटमेंट और समथिंग लगाने से मैनेजेबल होती है। बट अमूमन ऐसे जो है वो आपकी अगर सर्जन की टेक्निक अच्छी है, बहुत ही मेटिकुलस टेक्निक से नोज को क्लोज किया हुआ है, यू डोंट हैव स्कार ऑन नोज आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी। तो ये मिथ हमें हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी के बाद मेरे चेहरे पे जो है वो निशान या स्कार बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कार आफ्टर राइनोप्लास्टी यूजफुल फॉर यू, यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट, एंड जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।